बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ईद का दूसरा दिन है और आज हम बना रहे हैं मटन बिरयानी। तो मटन बिरयानी बनाने के लिए ये मैंने बासमती राइस लिया हुआ है, जिसको ऑलरेडी हमने 2 घंटे पहले भिगोकर रख दिया था। इसके अलावा हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, ये कुछ अदरक है जिसको हमने लेंथ वाइज काट लिया है, और साथ ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये हमें चाहिए। साथ ही ये कुछ फूड कलर है जिसको हमने पानी में डिजॉल्व कर लिया है। इसके अलावा हमें चाहिए टोमेटो प्यूरी, ये हम यूज़ करेंगे। साथ ये योगर्ट है और इसके अलावा हमें ऑनियन चाहिए तकरीबन 3 अदद, जिनको हमने रफली चॉप कर लिया है। ये कुछ टोमेटोज हैं और साथ ये ग्रीन चिलीज हैं, इनको हमने काट लिए हैं, और कुछ ये साबित मिर्च हैं, ये हम यूज़ करेंगे। साथ ही हमें ये मटन चाहिए जिसको हमने पहले प्रेशर कुक कर लिया है, तकरीबन 70% हमने इसको गला लिया है, और इसका जो स्टॉक था उसको हमने अलहदा रख दिया, ये हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे। ड्राई स्पाइसेस में हमें चाहिए ये थोड़े से बे लीव्स, ये ज़ीरा पाउडर है, और ये ब्लैक पेपर है, आप देख रहे हैं, कुछ बादियान के फूल हैं, ये हमें चाहिए होंगे, और ये इसके अलावा मोटी इलायची है, ये हम यूज़ करेंगे। साथ सिनेमन स्टिक्स हैं, दालचीनी, कुछ गरम मसाला पाउडर चाहिए, साथ हम ये साल्ट यूज़ करेंगे, और इसके अलावा ये रेड चिली पाउडर है। तो आइए शुरू करते हैं प्रोसेस की तरफ। वाटर को वार्म किया पानी को, और उसमें हमने डाल दिए चावल। अब इसके अंदर हम डालेंगे साल्ट तकरीबन 2 टीस्पूनफुल, और साथ ही डाल देंगे 1 बादियान का फूल, 2 अदद लौंग, 2 अदद दालचीनी के टुकड़े, और 1 मोटी इलायची। इनको और साल्ट को अच्छी तरह चावलों के साथ मिक्स करेंगे और चावल को बॉईल आने तक पकाएंगे। चावल का आपने अच्छी तरह ख्याल रखना है और इसको 1 कनी तक ही आपने पकाना है, अराउंड अबाउट 70% तक। आप इसका टेक्सचर जो है रेगुलर चेक करेंगे, और अगर ये एक चावल दबाने से ऐसे दबता है तो तब ये तैयार रेडी होगा। टूटना नहीं चाहिए, यानी दबे भी सही और हार्डनेस भी फील न हो इसके अंदर। तभी मैं देख रहा हूँ कि ये हार्ड है थोड़ा सा, तो इसको मैं थोड़ा सा पकाऊँगा। जैसे ये 70% पकेगा हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब मैं कुछ देर के बाद दोबारा जब मैंने इसको टेस्ट किया तो चावल जो है ये देखें दबता भी है इजीली और ब्रेक भी नहीं होता। इससे ज़्यादा आपने इसको कुक नहीं करना, अदरवाइज़ ये होगा कि ये फिर ब्रेक हो जाएगा बिरयानी के अंदर। तो ये स्टेज हमें नहीं चाहिए, हमें जस्ट ऐसे ही चावल चाहिए, दबाने से ऐसे दबे भी सही और साथ साथ टूटे भी नहीं। तो इस स्टेज पर मैं फ्लेम बंद करता हूँ और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। सबसे पहले ऑयल डालेंगे तकरीबन 1/4 कप या इक्वल टू 4 टीस्पूनफुल।
बिरयानी को हम मटन स्टॉक में ही पकाएंगे और ऑयल का बस इतना ही इस्तेमाल करेंगे जो हमने कर लिया है, इससे ज़्यादा हम ऑयल यूज़ नहीं करेंगे। आपको पता है हमारा स्लोगन यही है कि स्पाइसेस जो हैं एरोमेटिक स्पाइसेस वो फ्लेवर बनाते हैं। एनीवे अब ऑयल जो हमने यूज़ किया है उसी में डाल देंगे हम ऑनियन, तकरीबन 3 से 4 अदद ऑनियंस आप ले सकते हैं। प्याज को हम ब्राउन करेंगे अच्छी तरह, इसको हम ब्राउन होने तक अच्छी तरह पकाएंगे। सबसे पहले प्याज के अंदर गोश्त डाल देंगे, जिसको पहले हाफ कुक हमने प्रेशर कुकर में कर लिया था। इसके बाद अच्छी तरह मिलाएंगे, इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। मिक्स करेंगे अच्छी तरह। अगर आप देख रहे हैं कि नीचे से स्टक होता है तो आप इसमें डाल देंगे थोड़ा सा मटन स्टॉक, मटन स्टॉक के अंदर फ्लैश भी होती है जिससे थोड़ा सा जो हमें ऑयल ज़रूरत होता है वहाँ से मिल जाता है। अब हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस, ये कुछ बे लीफ डालेंगे 2 अदद, साथ ये कार्डमम मोटी इलायची, बादियान और 10 से 12 ब्लैक पेपर्स, जीरा पाउडर, सॉल्ट, रेड चिलीज पाउडर और गरम मसाला पाउडर। सब स्पाइसेस डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। फ्लेम आप मिडल में ही रखेंगे। अगर टोमेटो अवेलेबल हैं तो 3 से 4 टोमेटो डाल देंगे मीडियम साइज के, अगर नहीं अवेलेबल तो टोमेटो प्यूरी डाल दें। जो मटन स्टॉक हमने डाला था उसको अच्छी तरह खुश करेंगे। क्योंकि हमें इसमें किसी किस्म का ज़्यादा सालन नहीं चाहिए तो हम इसको अच्छी तरह ड्राई करेंगे स्टॉक को, और जो अदरक मैंने काटी हुई रखी थी वो डाल देंगे इसमें। हाफ ही हमने डाल दी है अदरक, हाफ हम लास्ट में यूज करेंगे। लास्ट में हम इसमें डाल देंगे योगर्ट, 1 बाउल, और योगर्ट के पानी को अच्छी तरह खुश करेंगे। जैसे दही का पानी थोड़ा सा खुश होगा
उस स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे ग्रीन चिलीज तकरीबन 3 से 4 अदरक साबित, ताकि उनका जायका भी इसके अंदर शामिल हो जाए। फिर से थोड़ा पकाएंगे। अब मैं चेक कर रहा हूं कि इसमें जो दही का पानी है तकरीबन वो सूख गया है, और इसमें जो अपने ऑयल कंटेंट थे गोश्त के अंदर वो, और थोड़ा सा ऑयल जो हमने डाला था वो अब आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रहा है। चूंकि ऑयल क्वांटिटी इसमें कम है तो आप ज्यादा ऑयल निकलने का इंतजार नहीं करेंगे, बस आपने इसमें अब राइस डाल देने हैं। सबसे पहले राइस डालेंगे, हाफ आपने डालने हैं, हाफ रखने हैं वो लास्ट में डालेंगे। अब इसके ऊपर हम टोमेटो रखेंगे, साथ ग्रीन चिलीज, और साथ अदरक जिसका हमने लेंथ वाइज काट लिया था, थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे येलो, इसके बाद थोड़ा सा इसमें डालेंगे केवड़ा एसेंस, मटन स्टॉक डालेंगे, जो हमने ऑनियन रखे हुए थे वो डालेंगे थोड़े से, कुछ हमने बचा लेने हैं जो हम लास्ट में ऊपर रखेंगे। इसके ऊपर चावल की लेयर लगा देंगे, जो प्याज बच गए थे वो डाल देंगे, डिश पर कपड़ा लगाकर ऐसे दम के लिए रख देंगे तकरीबन 10 मिनट्स तक। हाँ, सबसे पहले फ्लेम लगाकर ऐसे आपने डिश का कपड़ा फुली पकड़ने हैं, ऊपर प्रेशर देना है और फ्लेम को हाई करना है ताकि इसके अंदर स्टीम डेवलप हो जाए। ये प्रोसेस आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट्स तक लाजमी करना है, अगर 5 मिनट्स तक कर लें तो बेहतर है। उसके बाद हम फ्लेम को लो करेंगे और इसको बाकायदा दम के लिए रखेंगे। क्योंकि हमने इसके अंदर मटन स्टॉक डाला हुआ है तो डेफिनेटली इसमें जो है वो स्टीम जो है वो लाजमी प्रोड्यूस होती है। तकरीबन 4 मिनट्स के बाद मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया,
और अब हम इसको बाकायदा दम के लिए लगा देंगे तकरीबन 10 मिनट्स तक। मिक्स किया हमने, तो आप देखें ये शक्ल बनी है चावल की, और इनका अपना एक खिला खिला सा नेचर भी है, और साथ साथ ये फूड कलर जो है इसको मोर अट्रैक्टिव बना रहा है। तो इस तरीके की आप कलरेशन जो है पाएंगे बिरयानी की आफ्टर फूड कलर। तो आइए अब इसको डिश आउट करते हैं। लीजिए मटन बिरयानी तैयार है, ये इसका एक क्लोज लुक आप देखें, राइस का फूड कलर के साथ और मटन के साथ एक अच्छा एक्सपोजर हुआ है, और ये देखने में भी काफ़ी लजीज नज़र आ रही है, और खाने में तो है ही, मैंने इसको टेस्ट किया है। और ऐसे ही हम इंशाल्लाह अच्छी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नेक्स्ट आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिले। ये कुछ क्लोज शॉट्स, और मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।